उत्तराखंड, जहां के कंकड़ कंकड़ ही शंकर शंकर है। क्या अद्भुत भूमि है उत्तराखंड। एक तरफ केदारेश्वर, एक तरफ केदारेश्वर नाथ, दूसरी तरफ बद्रीनाथ विराजमान है। धन्य है ये बद्रीनाथ। कल कल किलनोद करती हुई अलकनंदा माता की धारा, और धन्य है यह बद्रीनाथ। कितनी अद्भुत अद्भुत पर्वतमालाएं हैं, संत हैं, गुफाएं हैं, उन विरक्त महात्माओं की सुगंधी है, उनके तप का प्रभाव है, उन योगियों की मुस्कुराहट, इन संतों के चेहरे पर व्याप्त वो भगवान का तेज, इससे लग रहा है कि हम लोग मानो बैकुंठ में ही विचरण कर रहे हों। ऐसी पावन भूमि को हम सब साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। यहाँ की दृश्य और अदृश्य शक्तियां, हमें भरोसा है सब कथा सुनने आई होंगी। यहाँ की वो आत्माएं भी कथा सुनने आई जो कई जन्मों से भगवान के भजन में घूम रही हैं, जिन्होंने शरीर नहीं पाया लेकिन इसी बैकुंठ में, इसी बद्रीनाथ में आनंद ले रही। वो आत्माएं भी यहाँ विचरण कर रही होंगी, उन सिद्धों की, अवधूतों की, फक्कड़ों की, अब वो अमलात्मा, वो विमलात्मा, वो महात्मा, वो योगी, वो जपी, वो तपी, वो वैरागी, गिरीपुरी, सरस्वती, अनेक प्रकार के महापुरुष, परंपराओं का प्रवर्तन करने वाले, भक्त परंपरा के साथ, वैष्णव परंपरा के साथ भगवान श्री गोविंद नर नारायण भगवान जो वहां विराजमान, उनके स्मरण में जो लिप्त हो गए हैं, जो लय हो गए हैं, विलय हो गए हैं, जैसे दूध में पानी मिलने से पानी की मात्रा कितनी भी हो पर दूध में स्पर्श होते ही उसका मूल्य दूध के समान हो जाता है, वैसे ही आत्मा कोई भी हो, वो जब ब्रह्म तत्व में विलय होता है, जब वो भगवत तत्व में विलय होता है, जब वो ईश्वर तत्व में विलय होता है, जब वो भगवान की उस चेतना में विलय होता है, तो वो साधारण आत्मा भी परमात्मा की तरह पूजनीय हो जाती है और ब्रह्म के समान हो जाती है। राम ही सुमिरिय, राम ही गाये। धन्य है इस भूमि को वंदन, सभी संत जनों को। हमारे मंच पर दक्षिण भाग में महायोगी नेपाल की भूमि के जगतगुरु भगवान विराजमान, उनके चरणों में नाक रगड़ कर दंडवत प्रणाम। पूज्य महाराज श्री जी उनके बगल में, उनका नाम लेने में हमें अपराध लगता है, तो पूज्य बद्रीनाथ वाले महाराज जी ही बहुत हैं, उनके मित्र भी बैठे हैं, उनको भी बुरा ना लगे, इतने में ही समझ जाएंगे, बल्कि इनके मित्र का तो अलग रिश्ता है, वो हम नहीं कह सकते। तो पूज्य महाराज जी के भी चरणों में दंडवत प्रणाम। ये दो तीन विभूति विचित्र बैठी हैं, इनको मंच से आपकी चमक धमक से ज्यादा मतलब नहीं। मौनी बाबा जी बैठे हैं त्रिशूल लिए, एकदम मौज में रहते हैं, कोई तीन तेरा नहीं, मिल गए तो मिल गए, नहीं मिले तो जय बजरंग बली, चमक धमक से दूर मुस्कुराते रहते हैं। हम मुस्कुराते भी सबके पास हैं, हमारी आदत है हम सबको मुस्कुराते, ये किसी किसी को मुस्कुराते, ये सबको नहीं मुस्कुराहट देते। आप कुछ भी कर लो, आप महाराज जी भी नाम ले रहे थे, कोई फर्क नहीं, आप नाम लेते रहो, क्या दिक्कत है, नाम लेते रहो, नाम ही तो ये जो त्रिशूल लिए महात्मा बैठे मौनी बाबा हैं, छोटे से यहीं पर है, आज से नहीं है ये, छोटे से यहीं कंदराओं में आनंद लेते हैं, नाम मौनी बाबा, अद्भुत महात्मा है। ये सबको नहीं मुस्कुराते, हमको तो देख के मुस्कुराए, ये कृपा है, ये कृपा है। अब हंसे मतलब महाराज जी फंसे, मौनी बाबा जी के चरणों में भी नाक रगड़ कर दंडवत प्रणाम। उनके बगल में बर्फानी बाबा जी विराजमान है, उनके बगल में दो अनंत महापुरुष, उनके चरणों में यज्ञाचार्य जी, सबके चरणों में दंडवत प्रणाम। बहुत लेट हो गया लेकिन अपन को करना ही क्या है, लेट हो भी गया, यहां करना क्या, भजन ही तो करना है, खाना पीना है। तुम अगर तुम्हें जल्दी फ्री कर देते तो तुम्हें पढ़ना है, अगर पूछो क्या करना है गुरुजी, पढ़ना, पढ़ना नहीं, बुंदेलखंड का शब्द है पढ़ना, पढ़ना, करना क्या है, रोटी तुम्हें बनानी नहीं, झाड़ू पोछा लगाना नहीं, और पुरुषों को भी पैया पप्पू खिलाना नहीं,
करना क्या है, भजन ही करना है, तो लेट भी सही, भगवान का भजन भी वैसे भी थोड़ा सांझ तले और आनंद, बाहर की ठंडी शीतलता हवा बहेगी बद्रीनाथ की, ये कंदराओं का आनंद, ये हिमालय का आनंद, हिमालय क्या अद्भुत आनंद है, ऐसा लगता आज तो हमने और महाराज जी ने दोपहर में भोजन विलंब प्रसाद पाया, पर हम सब लोग बोले आप अंदर कक्ष में पाओ, हमने महाराज जी की बाएं पकड़ी बाहर बैठ गए, कंदराओं को देख देख कर भोजन पाया, वो अलग आनंद था, उसका एक अलग रस था, बाहर सामने भीनी भीनी हवा चल रही और ऋषि गंगा बगल से बह रही थी, ये देखो ना जा रहा, ये हाँ हमने प्रसाद हमका बहुत कमरे में तो पा लिया, अब थोड़ा खुले में पाना चाहिए, तो सब लोग आए हैं, कुछ यहाँ के निवासी रहवासी देवभूमि के बैठे, हम उनको भी दंडवत प्रणाम करते हैं, आप लोग भाग्यशाली प्रशासन के लोग बिचारे 3 बजे से बैठे हैं, बाबा जी आएंगे 6 बजे चले जाएंगे, देख लीजिए बाबा जी 6 बजे ही आए हैं, प्रशासन के लोग हमारे कारण बिचारे परेशान हो रहे हैं, कोई नहीं 2-3 दिन झेल लो, हमारा क्योंकि एक ही नियम है, कोई नियम नहीं है, तो प्रशासन के लोग यहाँ के सम्माननीय गण मंदिर की पूरे अधिकारी गण भी विराजमान है, हम सबको धन्यवाद प्रणाम करते हैं, और पूरी मंडली बागेश्वर धाम की समिति भी आई है जो 3 दिन तक आनंद ले रही, आप सबको कली कुरुशेखर पावन अवतार गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने जो कहा उस पर चलने की कोशिश, सिया राम मैं सब जग जानी करा हूं प्रणाम जोरी धूप पानी करा हूं प्रणाम जोरी धूप पानी सीता राम सीता सीताराम कहिए जाई विधि राखे भैया।